हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल में जनरेटिव फिल एआई टूल के बारे में बताऊंगा। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये फोटोशॉप के बीटा वर्जन में अवेलेबल है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप सोच सकते हैं वो एआई करके देगा। सिर्फ आपको सोचना है कि करना क्या है, प्रैक्टिकली कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ क्रिएटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करें। यहाँ हमारे सामने इमेज है, इसमें नीचे ये टूल बन के आ रहा है। यहाँ पर केवल टाइप करना है और उसके बाद जनरेट पर क्लिक करना होता है। अब इस फोटो में जो भी चेंज करना हो वो कर सकते हैं। यहाँ इसके हाथ में फ्रूट है, इनको रिप्लेस करना है। इसके लिए सबसे पहले लासो टूल से सिलेक्शन बनाते हैं, इस तरह से। यहाँ पर सिलेक्शन परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन हो जाने के बाद अब सिर्फ यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ मैं स्वीट्स टाइप कर रहा हूँ और जनरेट पर क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसेस हो रहा है और लोडिंग हो रही है। और रिजल्ट सामने है, अमेजिंग। इसमें यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन भी मिल रहे हैं, इस तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ये फोटो है। इसके बाद इस फोटो में हमें क्या करना है केवल सोचना है। फॉर एग्जाम्पल ड्रेस चेंज कर लेते हैं। इसके लिए ड्रेस का सिलेक्शन बनाते हैं। परफेक्ट सिलेक्शन बनाने की ज़रूरत है नहीं। और अब यहाँ पर ड्रेस टाइप कर देते हैं जिससे एआई को समझ आ जाए कि ड्रेस चेंज करनी है। और यहाँ ड्रेस चेंज हो चुकी है। यहाँ इसके ऑप्शन भी आ गए हैं। अगर और भी ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पर अगेन जनरेट पर क्लिक कर सकते हैं तो और भी ऑप्शन आ जाते हैं। इस फोटो को जूम करके चेक कर लेते हैं। ड्रेस परफेक्टली चेंज हुई है। इसके बाद बैकग्राउंड को भी चेंज करते हैं। बैकग्राउंड का सिलेक्शन बनाते हैं। बैकग्राउंड की जगह माउंटेन को लाना है।
तो यहाँ पर माउंटेन टाइप कर देते हैं और जनरेट करते हैं। तो इस तरह से बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है। जूम करके बैकग्राउंड को चेक कर लेते हैं, परफेक्टली चेंज हो चुका है। इस फोटो में बैकग्राउंड ब्लर था और चेंज भी उसी के अकॉर्डिंग हुआ है। नेक्स्ट ये फोटो है। इस फोटो में दोनों हाथों को पूरा करते हैं, क्रॉप टूल से इसका कैनवास साइज बढ़ा लेते हैं इस तरह से, रेक्टेंगल टूल से दोनों ओर का सिलेक्शन बनाते हैं, इसके बाद यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं करना है, केवल क्लिक करना है और जनरेट कर देना है। दोनों हाथ कंप्लीट बन के आ गए हैं ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट ये फोटो है। इसको बॉडी बिल्डर बनाना है। बॉडी का सिलेक्शन कर लेते हैं, और यहां मैन बॉडी बिल्डर टाइप करते हैं और जनरेट कर देते हैं। तो इस तरह से बॉडी बन के आ गई है। अब इसी तरह से कुछ और क्रिएटिव काम करते हैं और अमेजिंग रिजल्ट सामने होंगे।
आई होप कि जो मैंने आज आपको बताया समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी ज़्यादा समझना है तो मेरे वीडियोज़ को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।